16.3 और 16.4 में शंकु और गोला है, तो शंकु और गोले के बारे में देखेंगे। शंकु है वही तीन चीजें होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले हम दो देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र याद है, आसानी से सवाल कर सकते हो। अब आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं सूत्र। देखो सबसे पहले हमें मुझे बनाना है शंकु, तो शंकु बनाने के लिए मुझे एक वर्थ लेना पड़ेगा, और वर्थ को अगर मैं ऐसे काट देता हूँ ऐसे, तो ये वाला भाग, ये जो कटा हुआ भाग है आपके, ये वाला भाग क्या बनाएगा, शंकु। क्या बनाएगा, ये शंकु बनाएगा। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देंगे इसको, घुमाते आपके शंकु बन जाएगा। मैंने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको, बताओ ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वर्त है एक केंद्र से दो त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ यह क्षेत्र, क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखो ये त्रिज्यखंड था, तो बताओ त्रिज्यखंड की ये तो क्या थी, ये तो थी चाप की लंबाई, जिसे कहीं से दर्शाते हैं, L से, और ये केंद्र से ये दूरी की कौन थी, R, त्रिज्या। हम जैसे इससे ये बनाएंगे, जैसे इससे ये बनाओगे, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये, जिसे बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और इसे दर्शाते हैं यहाँ पर एल से। और ये देखो ये जो गोल गोल भाग है ये वाला, देखो ये क्या बन गया आपके, वर्थ टाइप बन गया, ढक्कन, आइसक्रीम कोन। देखिए आइसक्रीम कोन सेम जैसे होता है शंकु। तो ये वाला देखो आपके जो त्रिज्या थी, त्रिज्या तो क्या बन गई आपके, इसकी तिर्यक ऊंचाई बन गई। जो त्रिज्या थी वर्थ की, वो तो क्या बन गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई, और तो इसके चाप की लंबाई थी। देखो ऐसे ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगे, मतलब ऐसे, तो आपके इस प्रकार के आकृति मतलब गोल हो जाएगा ये। इस भाग को मैं घुमाएंगे गोल, तो ये गोल हो जाएगा। तो ये जो इसमें लंबाई थी, लंबाई वो क्या बन गई, वो बन गई वर्थ की परिधि। तो बताया हुआ है, बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था, कहता एक बट्टा दो इंटू, कहता चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, था एक बट्टा दो एल इंटू आर, एक बट्टा दो इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे एक बटा दो का तो एक बटा दो इंटू, अभी मैंने कहा था जो इसकी चाप की लंबाई थी वो क्या बन गई, वर्थ की परिधि। यहाँ क्या आएगी कि वो क्या बन गए आपके, वो बन गए वर्थ की परिधि, और इंटू जो इसकी त्रिज्या थी वो क्या बन गई, वो बन गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। वो क्या बन गई इसकी, वो बन गई इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। आप देखो ध्यान दो इधर, एक बटा दो का दो एक बटा दो इंटू वर्थ की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, टू पाई आर, टू पाई आर इंटू तिर्यक ऊंचाई कैसे लेंगे हम, एल से, दो से दो कैंसिल, बताओ क्या आ गया, पाई आर एल। तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल ये अंदर अंदर वाला भाग आएगा, ये गोल गोल जो भाग है वो भाग आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखो हमें जब भी शंकु बनाना है क्या लेंगे, एक वर्त लेंगे, और वर्त को किस रूप में काटेंगे, त्रिज्यखंड के रूप में। जैसे इस त्रिज्यखंड को हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। अब जो देखो ध्यान रखना है आपको, जो ये त्रिज्या थी किसकी, त्रिज्यखंड की, वो किस में परिवर्तित हो गई, वो परिवर्तित हो गई चाप, मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखो ऐसे थी, अभी तिर्यक ऊंचाई में बदल गई। दूसरी, जो इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थी, ऐसे इसको गोल घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वर्थ की परिधि, ऐसे परिधि बन जाएगी। तो देखो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक बटा दो इंटू चाप की लंबाई इंटू क्या नाम है, त्रिज्या। वैसे उसमें बताया था एक बटा दो, बताया दो दो सूत्र थे इसके, तो ये देखना है यहाँ पे एक बटा दो एक बटा दो। अब देखो इसमें जो चाप की लंबाई थी वो शंकु में क्या बन गई, वर्थ की परिधि, इंटू जो इसमें त्रिज्या थी वो क्या बन गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई।
अब देखो एक बड़ा दो एक बड़ा दो वर्ड की परिधि क्या तीनों सूत्र क्या है टू पाई आर इनटू फिर एक ऊंचाई क्या लिखेंगे एल दो से दो कट गया सूत्र क्या गया पाई आर एल ये किसका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो एक तो लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लेना पड़ेगा ये ऊपर वाला भाग पहले हमने ऊपर वाला भाग नहीं लिया क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में तो अंदर वाला जो गोल गोल हिस्सा है वो आता है अब ये वाला भाग भी लेना पड़ेगा बताओ ये वाला भाग क्या है ये क्या है वर्त का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा शंकु का आइसक्रीम कौन होती है जैसे यहाँ किसी कोण से पकड़ते हो इसको अगर किसी कोण से पकड़ते हो वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आइसक्रीम के ऊपर ढक्कन आता है ढक्कन इसको खोल के फेंक देते हैं ढक्कन उस ढक्कन को भी हम लेंगे तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बताओ मैं क्या करूंगा मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे प्लस क्या जोड़ देंगे वर्तकार क्षेत्रफल क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला ये कैसा है वर्तकार है इसमें क्या जोड़ देंगे वर्तकार क्षेत्रफल बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये रहा आई आर एल प्लस वर्तकार क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब दोनों में क्या कॉमन है पाई आर कॉमन है पाई आर है क्या कॉमन यहाँ क्या बच गया एल प्लस यहाँ क्या बच गया तो सूत्र क्या बन गया पाई आर कोष्टक एल प्लस आर आगे दोनों सूत्र समझ में ये तो आपको लेना है पहले त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड से बनाना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या लगाओगे पाई आर एल अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें एक वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो आपके किसका क्षेत्रफल आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखो जैसे शंकु है अगर शंकु में आपको तीरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जैसे इधर देखो मान लो कि ये कोई शंकु है ये कोई शंकु है आपकी और ये वाली दे रखी है इसकी तीरे ऊंचाई इसे कैसे दर्शाएंगे एल से और ये दे रखी है इसकी त्रिज्या आर और ये दे रखी है इसकी ऊंचाई मतलब बिल्कुल सीधी ऊंचाई 90 डिग्री कोण वाली एच और यहाँ पर है 90 डिग्री का कोण अगर आपको सवाल में ऐसा दिया हुआ है एक तो दे रखी है तीरे ऊंचाई और एक त्रिज्या और एक इसकी कंप्लीट ऊंचाई जो 90 डिग्री कोण पर होती है हमेशा तो बताओ जैसे मुझे क्या करना है एल एल क्या करना है देखो यहाँ क्या बन रहा है अंदर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कौन सा वही पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लग जाएगा अगर मुझे एल ज्ञात करना है एल क्या है यहाँ पर कर्ण है अगर मुझे कर्ण ज्ञात करना है तो बताओ कैसे कर्ण का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर स्क्वायर हट गया इधर क्या लग गया अंडर रूट तो अगर आपको चाप मतलब इसकी शंकु की तीरे की ऊंचाई ज्ञात करने तो सूत्र क्या बन गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर ये कुल ऊंचाई ये त्रिज्या और ये क्या है तीरे की ऊंचाई अगर ये सवाल में दिया हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री कोण है मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है तो सेम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है यहाँ पे आगे समझे अगर मुझे ज्ञात करना है एच बताओ एच कैसे ज्ञात करोगे एच ज्ञात करना है एल में से क्या माइनस करेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर हट गया यहाँ क्या लग गया अंडर रूट अगर मुझे ज्ञात करना है आर कैसे ज्ञात करेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर तो तीन सूत्र ये और दो सूत्र ये देखो अभी आपके गोला और अर्धगोला 16.4 में इसी रिलेटेड क्वेश्चन है गोला और अर्धगोला पहले गोला देखो गोला कैसे होता है चारों ओर से गोल होता है जैसे गेंद या खरबूजा या फुटबॉल कह सकते हो यानी फुटबॉल कह सकते हो आप चारों ओर से कैसा होता है गोल होता है मतलब इसका जो प्रत्येक भाग है मतलब चारों ओर का जो भाग है वो कैसा होता है बराबर समान होता है एक जैसा होता है गोल होता है तो जो आपके अर्धगोला है न तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है और न ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है इसमें केवल एक ही आता है मतलब इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आता है इसमें न तो आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और न ही आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें केवल एक ही है क्योंकि देखो
ये गोला है मतलब चारों ओर से गोले, इसकी सभी स्थितियां एक जैसी है, मतलब किधर से भी इसको स्पर्श करो एक जैसा नजर आएगा। तो इसमें न तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है और न ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, इसमें केवल एक आता है जिसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या आएगा, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, एक ही सूत्र काम आएगा इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये चारों ओर से गोले एक जैसा है, ना तो इसमें वक्र पृष्ठीय आगे लगेगा और न ही संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय न तो संपूर्ण पृष्ठीय लगेगा और न ही वक्र लगेगा, केवल इसमें केवल एक ही सूत्र है, वो क्या है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि इस गोले को मुझे ढकना है चारों ओर से, कोई चीज लेनी है और इसको चारों ओर से क्या करना है, ढकना है। अगर मैं इसे चारों ओर से ढकूंगा तो इस ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के मुझे चार वर्तों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने वर्तों की, बना रखे इस त्रिज्या के कितने वर्तों की आवश्यकता पड़ेगी, चार वर्तों की। अगर मैं चार वर्तों का क्षेत्रफल लेता हूँ, कितने वर्तों का, चार वर्तों का क्षेत्रफल लेता हूँ, तो ये गोला चार ओर से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, चार ओर से कंप्लीट ढक जाता है चार वर्तों का क्षेत्रफल लेने पर। बताओ चार का तो चार, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का सूत्र बन गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चार पाई आर स्क्वायर। केवल एक ही लगेगा इसमें आपके, न तो वक्र आएगा और न ही संपूर्ण आएगा। आगे बात समझे, अब ये आपके अर्ध गोला, देखो अर्ध गोला मतलब इसका आधा भाग, आधा काट कर बनाया है इस अर्ध गोला, आधा जैसे खरबूजा है, खरबूजा खरबूजा जैसे ये वाला भाग खरबूजा आधा काट दिया, तो ये वाला भाग कैसा है, ग्रीन हरा वाला भाग, और ये वाला भाग कैसा है, लाल वाला भाग, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे अर्ध गोले का, इसमें दोनों ही है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। देखो ये तो चारों ओर से गोल था, तो इसमें न तो पृष्ठीय और न ही संपूर्ण पृष्ठीय, ये चारों ओर से गोल नहीं है, यहाँ तक तो गोल है और फिर ये वाला एक वर्त और आ गया, तो इसमें दोनों आएंगे, इसमें आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा और इसमें आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, दोनों आएंगे, एक आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों आएंगे इसमें। अब देखो दोनों कैसे, अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मेरे पास कितना गोला है, आता है, इसमें तो मुझे कितने वर्तों की जरूरत पड़ी, चार की, उसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, दो की, तो इसमें तो आएगा कितना, दो वर्तों का क्षेत्रफल। बताओ दो वर्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे ज्ञात करना है गोले का मतलब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या बन गया, टू पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण देखो, बताया मेरे खरबूजा, अभी ये वाला भाग भी आएगा ग्रीन और ये वाला भाग कैसा है, लाल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय में ये वाला भाग भी आएगा और इसके बाद ये वाला भाग भी आएगा। बताओ ये ऊपर वाला भाग, जैसे ये समझ लो कटोरा, कटोरा लेके खड़े हो तुम लोग बस स्टैंड पे, कटोरा है, अब कटोरे में पैसे डालते जाएंगे तो ये नीचे वाले भाग में पैसे बढ़ते जाएंगे, अब उस पैसे को कोई ले नहीं जाए, उसके लिए इस ऊपरी भाग पर क्या लगाना पड़ेगा, ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो ये साथ में ये दो नीचे वाले कटोरे और एक ऊपर वाला, मतलब कितने वर्त हो गए, तीन वर्त, कितने वर्त हो गए, अरे दो वर्त तो इस आधे भाग का, दो वर्त, और ये वाला हिस्सा भी कैसा है, ढक्कन वर्ताकार ही है और एक वर्त ही आ जाएगा, तो मतलब कितने वर्त हो गए आपके, तीन वर्त, कितने वर्त हो गए, तीन वर्तों का क्षेत्रफल, मतलब तीन का तो तीन वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अभी आपके आयतन है, ये तो आकृति आपके शंकु की, ये तो क्या आपके शंकु, और ये आपके ठोस गोला, और वो वाला क्या है आपके, बताया हुआ है क्या है वो, ये आपके बेलन है। अगर मान लो तीनों की त्रिज्या और तीनों की ऊंचाई एक ही है, इसकी त्रिज्या और इसकी तीनों की त्रिज्या क्या है आपके समान है, एक जैसी है। अब इसका आयतन तो मैं पता है, पहले ज्ञात किया था। आप जैसे मान लो कि ये आपके बेलन है, ये वाला बेलन, और इस बेलन में इसी त्रिज्या का सेम, जैसे इस ये आपके शंकु है और इसमें पानी भरा हुआ है, और ये पानी मुझे इस बेलन में भरना है,
तो बता ये वाला जो पानी इस बेलन में भरना है तो सेम त्रिज्याई दोनों की, तो ये वाला हिस्सा इसके कितने भाग को भर देगा, पूरे भाग को थोड़ी भर पाएगा, इसका ये वाला जो जैसे मान लो इसके तीन भाग है, इसके कितने भाग कर दिए मैंने, तीन भाग, एक दो तीन, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें तीन भाग में से केवल एक भाग को ही भर पाएगा, कितने भाग को, एक भाग को, मतलब अगर इसका पानी में इस बेलन में डालू तो ये बेलन के एक बटे तीन भाग को ही भर पाएगा, जैसे तीन भाग कर दिए मैंने इसके, तो ये वाला इसमें जो पानी भरा है वो इसमें डालेंगे वो कितने भाग को भर पाएगा, एक बटा तीन, मतलब तीन भाग में से एक भाग को ही भर पाएगा। अगर ये देखो, अगर ये मान लो बेलन है और मैं इस, अब दोनों की कंपेरिजन दोनों सेम है, दोनों एक जैसे है, अगर मैं इसका पानी इसमें डालू तो बताओ ये वाला हिस्सा, अगर मैं पूरा मार गोला ही डाल दो इसमें, मैंने गोला डाल दिया पूरा, तो बताओ ये पूरा गोला इसके पूरे क्षेत्र को घेर पाएगा, नहीं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। जब मैं शंकु का पानी किसमें भरता हूँ, किसमें, बेलन में, शंकु का पानी किसमें भरता हूँ, बेलन में, तो ये इसको भरता है एक बटा तीन, तीन भाग में से कितना भाग भरता है, एक ही भाग भरता है। और जब मैं इस गोले का पानी इस शंकु में डालता हूँ तो ये भरता है इसका दो बटा तीन भाग, ये गोला कितने भाग भर देता है उसका, तीन में से दो भाग, जबकि शंकु उसमें तीन में से कितना भाग भरता है, एक भाग ही भर पाता है, तीन में से कितना भाग भर पाता है, और ये दोनों को जोड़ दे, इसको और इसको दोनों को जोड़ दे तो ये दोनों मिलके इसको क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं, कितना भर देते हैं, पूरा, देखो लस लो तीन, तीन बड़ा तीन आ जाएगा, लस तीन लेते तीन बड़ा तीन आ जाएगा, मतलब ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, बेलन का आयतन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेलन का। अगर मैं शंकु से बेलन में पानी भरता हूँ तो वो कितना भरता है, एक बड़ा तीन, अगर मैं गोले से इसमें बेलन में पानी भरता हूँ तो कितना भरता है, दो बड़ा तीन, और दोनों मिला के बेलन को क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं, फुल भर देते हैं। तो देखो बताओ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, देखो तीन से तीन कट गया, यहाँ तो बेलन का आयतन क्या रह जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, बताया हुआ है। अब यहाँ देखो एक बड़ा तीन पाई आर स्क्वायर एच, अब यहाँ देखो, देखो यहाँ एच गोले में ऊंचाई तो है नहीं, ऊंचाई है क्या, नहीं है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई की जगह क्या है, एक त्रिज्याई है और एक त्रिज्याई, कितनी त्रिज्याई है, दो दो त्रिज्याई, कितनी त्रिज्याई है, दो दो, तो देखो दो बटा तीन पाई आर स्क्वायर, इसको हटाएंगे ऊंचाई है नहीं इस गोले में, तो इसकी जगह क्या जाएगी, कितने आर, दो आर, कितनी त्रिज्याई जाएगी, दो आर। अब देखो दो को दो से गुणा, दो दुनी चार बटा तीन, पाएगा तो पाई, आर दो से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, आर दो तो यहाँ है और एक है, कितने हो गए, तो सूत्र क्या बन गया, चार बटा तीन पाई आर क्यू, किसके आयतन का, गोले के आयतन का, ये सूत्र किसका हो गया, शंकु के आयतन का, और ये सूत्र किसका हो गया, बेलन के आयतन का। पहले बताया है? एक बार ध्यान से देख लो, अगर मैं एक ये शंकु तो इसमें भरता है एक बटा तीन, गोला इसमें भरता है दो बटा तीन, और लेकिन गोले में क्या है, ऊंचाई नहीं आती, ऊंचाई की जगह क्या आती है, एक त्रिज्या, और एक त्रिज्या कितनी त्रिज्या, दो त्रिज्या, टू आर आ जाएगा, अब गुणा करेंगे दो दुनी चार बटा तीन और पाई आर क्यू, कंप्लीट है सुनने। अब देखो ये तो हो गया आपके शंकु का, ये किसका हो गया आपके गोले का, अगर मुझे अर्ध गोले का चाहिए, मुझे किसका आयतन चाहिए, अर्ध गोले का, तो बताओ क्या हो जाएगा, अर्ध गोला है, पूरे गोले का क्या होता है, चार बटा तीन पाई आर क्यू, अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा कर दो, क्या हो जाएगा, एक बटा दो इंटू आधा कर दो इसका, चार बटा तीन पाई आर क्यू, दो से कट गया कितनी बार, दो बार, बताओ क्या हो गया, टू पाई आर क्यू, दो बटा तीन, यहाँ दो कटिया दो बटा तीन पाई आर क्यू, आइए सुनने, बताओ